जय हिंद। इस वीडियो में लोग इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी में पिछले दो तीन दिनों से शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यूं कहे कि अपर सर्किट में चल रहा है, काफी दिनों के बाद इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो अब इस कंपनी का शेयर होल्डर्स है उनके लिए तो खुशखबरी की बात है, लेकिन सवाल यह है कि तेजी कुछ दिनों तक अस्थायी बनी रहे तब तो, कहीं ऐसे तो सिर्फ नाम के लिए अपर सर्किट नहीं लगा है। इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और वो लोग जो काफी ऊपरी लेवल पर बाई करके इसमें फंसे हुए हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी, आपको पता है कि यह सिर्फ BSE पर लिस्टेड है, NSE पर लिस्टेड होने की अभी बात इसकी चल रही है। और नाम में भले सॉफ्टवेयर लगा, IT सेक्टर से कंपनी बिल्कुल बिलोंग नहीं करती है। यह कंपनी सिर्फ NBFC कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। हालांकि यह RBI से रजिस्टर्ड नहीं है। इसकी भी तैयारी इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो कर रहे हैं कि RBI से इसको मान्यता मिल जाए और उसके बाद NSE पर कंपनी लिस्टेड हो जाएगी, उसके बाद फिर तेजी ही तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल समझिए, अभी इसका शेयर प्राइस है 4.27 रुपये और 5% का इसमें अपर सर्किट लगा है और यह सर्किट लगा है लगभग 28 अप्रैल से, उसी 28 अप्रैल के बाद से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। अब उसके बदौलत देखेंगे तो एक सप्ताह का इसका जो रिटर्न है पॉजिटिव में आ गया है, लगभग 8.5% के आसपास। एक माह का रिटर्न जो पहले नेगेटिव में था वह भी पॉजिटिव में आ गया है और साल भर का रिटर्न तो लगभग 1000% के आसपास इसका पॉजिटिव में है ही। तो ओवरऑल अब इसमें तेजी देखने को मिल रही है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है। हालांकि एक बात हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अभी भी यह स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में है, कंसोलिडेशन रेंज से बाहर नहीं निकला है। कंसोलिडेशन रेंज में फरवरी से और लगभग पूरा अप्रैल खत्म हो गया, 3 माह से कंसोलिडेशन रेंज में रह रहा है। हालांकि तेजी जिस तरह से इसमें देखने को मिल रही है तो कह सकते हैं कि जो नया माह शुरू हुआ है इसमें कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकल जाए, क्योंकि कितना दिनों तक कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा। सामान्यतः जो अच्छे स्टॉक होते हैं 3 माह तक तो वो कंसोलिडेशन रेंज में रहते ही नहीं है। ये समस्या ज्यादातर पेनी स्टॉक और मिड कैप कंपनियों के छोटे स्टॉक होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो खैर, ये कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है, तेजी आना शुरू हो गया और अभी मैं आपको कुछ मस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बस आप बने रहिए समझेंगे। जब आप इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका शेयर प्राइस ज्यादातर डाउन ट्रेंड में समझिए कि सपाट रहा है, एकदम सुस्त पड़ा रहा है। इस कंपनी का शेयर प्राइस मैक्सिमम आप मानकर चलिए 19-20 पैसा 25 पैसा इसी की रेंज में रहा है। पिछले साल नवंबर 2021 इसमें तेजी आना शुरू हुआ था और यह तेजी जब आना शुरू हुआ तब जाके ऑपरेटर्स के रडार पर यह स्टॉक आया। वहां से ऑपरेटर्स ने इसके प्राइस को बढ़ाया और बढ़ाकर ले गए 12.45 रुपये। तो मतलब ऑपरेटर्स के द्वारा बढ़ाया गया है, बिना ऑपरेटर्स के गेम के संभव ही नहीं है कि 1.5 रुपये का स्टॉक 12.5 रुपये तक पहुंचे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ऑपरेटर्स के बढ़ाए हुए इस प्राइस को इसमें से छांट भी दें, जैसे यहाँ समझिए नवंबर 2021 में इसका शेयर प्राइस था 1.60 रुपया, मान लीजिए 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया से उठ कर पहुँचा 12.5 रुपया तक, तो ये तो ऑपरेटर्स बढ़ा के ले गए यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर ऑपरेटर्स ने जो प्राइस बढ़ाया उसको आप कट कर दीजिए तो आप देखेंगे कि अप्रैल तक मान लीजिए शेयर प्राइस बढ़कर हो गया 4 रुपया, तो आप देखिए 1.5 रुपया शेयर प्राइस बढ़कर हुआ है 4 रुपया नवंबर से लेकर अप्रैल तक में। यानी कि शेयर प्राइस अपने रफ्तार से धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आया है। ऑपरेटर्स ने भले शेयर प्राइस को बहुत अधिक बढ़ा कर ले गया फिर गिराया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अप ट्रेंड ग्राफ में ही है। और रही बात जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होगा उसी हिसाब से ना शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो कंपनी का विकास जिस तरह से हो रहा है शेयर प्राइस अपने हिसाब से ऊपर जा रहा है। इसलिए डरने और घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कर्जा नहीं है और थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो आने वाले समय में कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। तो सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि इसके ऊपर कर्जा नहीं है, सिर्फ 30 लाख का कर्ज है। 30 लाख के कर्ज को निगलेक्ट करके चला जाता है क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन ही 400-500 करोड़ के आसपास है, तो इसके लिए 30 लाख रुपये कोई मायने नहीं रखता। और रही बात कंपनियाँ व्यापार करती है तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज होता है, कर्ज का होना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसा लगता है कि व्यापार चल ही नहीं रहा है कंपनी का। और इसके पास रिजर्व है 132 करोड़ रुपये का, तो कंपनी जब चाहे अपने कर्जे को चुका सकती है। लेकिन थोड़ा बहुत कर्जा हर एक कंपनी पर होता है तो चिंता की बात नहीं है। यहां देखेंगे इसका बुक वैल्यू है 2.32 रुपया और शेयर प्राइस है अभी 4-4.5 रुपये के आसपास। तो अगर शेयर प्राइस बुक वैल्यू के नीचे आता है तब चिंता की बात है, लेकिन सामान्यतः किसी भी स्टॉक का शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू के नीचे नहीं आता है। बहुत कम आएगा तो 3 रुपये के आसपास आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा और फिर ऊपर ही आएगा। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो यह दोनों देखेंगे तो एक ही है, सेम है, -4.83% नेगेटिव में है, तो यह थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले यह 7% के आसपास था लेकिन अभी कम होकर सिर्फ 4.83% के पास रह गया है। अब समझिए अभी तो Q4 के रिजल्ट इसका आने हैं, बहुत उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। Q3 में देखेंगे तो इसका रेवेन्यू 2.35 करोड़ से बढ़ा नहीं था, सेम ही रह गया। तो Q2 में 2.35 करोड़ था जो कि Q3 में भी 2.35 करोड़ रह गया, मतलब रेवेन्यू ना बढ़ा ना कम हुआ। हालांकि कम नहीं हुआ तो यह बढ़िया बात है, लेकिन चूंकि बढ़ा नहीं तो इसलिए उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ। प्रॉफिट देखिए Q2 में 2.14 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था, जो Q3 में कम होकर 1.66 करोड़ का रह गया। तो जब रेवेन्यू ही नहीं हुआ कंपनी
का सेल्स ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा। हालांकि अगर आप साल भर पहले से तुलना करेंगे पिछले साल के जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट था तो वहां से इसका प्रॉफिट अभी भी अधिक है और उस हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा ही है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 16.44%, यानी कि इसमें प्रमोटर्स हैं। पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक में प्रमोटर्स इसी के रेशियो में होते हैं। पेनी स्टॉक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कुछ ज्यादा नहीं होती। पेनी स्टॉक में पब्लिक की हिस्सेदारी ज्यादा होती है तो इसमें देखेंगे लगभग 83.56% के आसपास इनकी हिस्सेदारी है। अब अगर ओवरऑल बात करें, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है इसमें ऊपरी लेवल पर बाई करके फंसा हुआ है तो क्या कर सकता है कि इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने तक इंतजार कर सकता है। उम्मीद है क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा आएगा और रिजल्ट अच्छा आएगा तो शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा क्योंकि फिर एक बार ऑपरेटर्स यहाँ हावी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे, जानकारी पसंद आई होगी। अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं समय देकर लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ शेयर बाजार से संबंधित प्रतिदिन के नॉलेज आपको मुहैया कराए जाते हैं, जिसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं और अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।